Welcome to the channel, guys, and please press the bell icon to receive all our latest updates. Guys, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लैक्स सीड्स। हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स होते क्या है, फ्लैक्स सीड्स खाने के फायदे क्या है और फ्लैक्स सीड्स खाए कैसे जाए। गाइस, काफी सारे लोग फ्लैक्स सीड्स को यूज करते हैं अपनी ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। अब ओमेगा 3 पूरे डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं गाइस, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें तीन मेन प्राइमरी एसिड्स होते हैं, एक ALA होता है, EPA होता है और एक DHA होता है। अब फ्लैक्स सीड की क्या प्रॉब्लम है? गाइस, फ्लैक्स सीड्स की प्रॉब्लम ये है कि फ्लैक्स सीड्स में सिर्फ ALA होता है और ALA, जिसको हम बेसिकली अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी बोलते हैं, वो बॉडी उसको वैसे यूज बिल्कुल नहीं करती। अब ALA को अपने आप को EPA या DHA में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब इस कन्वर्जन की प्रॉब्लम गाइस ये है कि इसकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है, मतलब कि कितना ALA EPA या DHA में कन्वर्ट होता है, सिर्फ 5-15% के बीच में। तो यूजेबल फॉर्म इसकी ओमेगा 3 के लिए बहुत कम बन जाती है। तो क्या किया जाए गाइस? अगर तो आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश ऑयल आपके लिए बेस्ट चीज है ओमेगा 3 पूरा करने के लिए, लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन है तो आप DHA के साथ सप्लीमेंट करिए, वो आपकी बॉडी को अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स देगा। गाइस, जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, वो बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो नो मैटर हमारी डाइट कितनी भी अच्छी हो, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लैक्स सीड्स बहुत काम के आते हैं। जैसे हमने बात की कि ALA का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में कोई खास काम है नहीं, लेकिन जो ALA है ये हमारी डाइजेस्टिव लाइनिंग, जो हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग है, वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। क्या जब ये प्रोटेक्शन अच्छी होती है तो डाइजेशन बढ़िया होती है। तो एक और चीज है जो फ्लैक्स सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स में फाइबर के कंटेंट भी काफी होता है। जब गाइस फाइबर भी अच्छा है, ALA भी है, तो ओवरऑल हमारी डाइजेशन काफी इंप्रूव होती है फ्लैक्स सीड्स लेने के बाद, जो कि एक बहुत ही बड़ा फायदा है। तो गाइस, एक बहुत बड़ा रीजन है जिस जो आपको कंसिडर करना चाहिए व्हाइल सप्लीमेंटिंग विद फ्लैक्स सीड्स। गाइस, जो भी सारे प्लांट्स होते हैं या जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, उनमें एक स्पेशल क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, उसको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। अब इसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स को जो फंगाई से, बैक्टीरिया से, बाकी सब चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और कमाल की बात यह है गाइस कि जब हम होल प्लांट सोर्सेज अपनी डाइट में लेते हैं, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स उनमें भी होते हैं। तो जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो बेसिकली एक फाइटोन्यूट्रिएंट, जिसको लिग्निन बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा सोर्स है। अब गाइस, लिग्निन का हमारे हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में बहुत बड़ा हाथ है। जो लेडीज हैं जो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, लिग्निन अगर उनकी डाइट में हो कि उनको भी हेल्प करेगा। और वो मेन, जैसे हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन से DHT कन्वर्जन होती है, तो लिग्निन को वहां भी हेल्पफुल पाया गया। तो गाइस, अगेन एक बहुत बड़ा रीजन है आपके लिए कि आप डाइट में फ्लैक्स सीड से सप्लीमेंट करें। गाइस, होता क्या, अब जब भी वर्कआउट करते हैं या कुछ भी खाते हैं, खाया, डाइजेस्ट हुआ, हर चीज का एक वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। तो नॉर्मली इन वेस्ट मटेरियल को, जो कि आपके फिजिकल एक्टिविटी से हो या आपके खाने की एक्टिविटी से हो, इनको फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उससे आपकी बॉडी डिजीज प्रोन हो जाएगी। तो फ्री रेडिकल्स को दूर करने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। अगेन गाइस, फ्लैक्स सीड्स एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है। गाइस, कुछ अभी रिसर्च हुई है, काफी टाइम से चल रही है, जो फ्लैक्स सीड्स को कैंसर प्रिवेंशन या ट्यूमर प्रिवेंशन से भी जोड़ती है। हालांकि हमारे को कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन स्टिल एक और रीजन है गाइस कि आप फ्लैक्स सीड्स क्यों डाइट में अपने लाना चाहिए। तो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मुझे पता फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट बहुत सारे हैं, अब मैं फ्लैक्स सीड्स लूं कैसे? गाइस, फ्लैक्स सीड्स मार्केट में दो फॉर्म में आते हैं, या फ्लैक्स सीड ऑयल, जिसे लिंसिड ऑयल भी बोला जाता है, या फिर फ्लैक्स सीड्स खुद से। तो आपको क्या करना चाहिए? गाइस, ऑयल प्रेफर ना कीजिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि आपको पता नहीं ऑयल का सोर्स क्या है, सीड्स कौन से यूज हुए हैं। और वैसे भी गाइस, ऑयल में जो फ्लैक्स सीड का सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका फाइबर, जो कि हमें वेट मेंटेनेंस में भी हेल्प कर सकता है, जो कि हमें हमारा हार्ट हेल्दी रखने में भी हेल्प कर सकता है, वो गायब हो जाता है। इसलिए आप सीड्स लीजिए। अब सीड्स कैसे लिए जाए? गाइस, मैं पर्सनली फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंडर में ग्राउंड कर देता हूँ। तो हर रोज 3 या 4 चम्मच, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से ले सकते हैं। है, क्योंकि जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये बेसिकली मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स। 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स में ऑलमोस्ट 352 मिलीग्राम के आसपास मैग्नीशियम होता है,
पर बी विटामिन, सिलीनियम और भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स का रिच सोर्स है। तो गाइस आई एक्सपेक्ट मैंने आपको कन्विंस कर दिया होगा अभी तक कि अगर आपकी डाइट में फ्लैक्स सीड्स नहीं है तो प्लीज उनको इंक्लूड कीजिए। गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।